राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। यमुना के जलस्तर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी ने दिल्ली वालों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भले ही जलस्तर अब कम हो रहा है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आप नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए आप नेता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विपक्षी पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस स्थिति में सभी को साथ मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए, नॉर्मली जब चीजें सामान्य होती है तो राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करें, खुली छूट है। हर सरकार अपने जनता के लिए काम करना चाहती है, लेकिन जब नेचुरल क्लैमिटी हो, जब प्राकृतिक आपदा हो, जब माहौल ऐसा हो जहां सबको साथ काम करने की मांग होती हो, उस वक़्त अगर कोई राजनीतिक पार्टी बदले की भावना से काम करे, नुकसान पहुंचाने की भावना से काम करे, तो बहुत दुख होता है। और जो दिल्ली में रिकॉर्ड जितने रिकॉर्ड थे सारे ब्रीच कर दिए गए यमुना की बाढ़ में, आज उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को अधिकारियों की मीटिंग ली, चूँकि उस वक्त घनघोर बारिश हो रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जो जल जमाव की मुसीबत थी उसके ऊपर मीटिंग ली कैसे हमें टैकल करना है, तो अधिकारियों ने बताया कि कोई आसार नहीं है कि दिल्ली में बाढ़ आएगा। उस वक्त की जो फिगर्स थे, जो पुराना रेलवे ब्रिज है वो डेंजर मार्क से 2 मीटर कम ही था, लेकिन 10 तारीख को फिर 11 तारीख को जो बारिश हुई, उसके बाद जो इंसेसेंट बारिश होती गई, तो हम सबको लगा कि दिल्ली की बारिश के कारण यमुना की बाढ़, यमुना में जो एक अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ आ गई है उसका कारण वो है। लेकिन जब दिल्ली में बारिश खत्म हो गई, उसके बावजूद भी जब लगातार पानी बढ़ रहा था तो थोड़ी मन में शंकाएं पैदा हुई कि क्या हो रहा है। तो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूं कि हथनी कुंड बैराज, जहां से पानी छोड़ा जा रहा था और छोड़ा जा रहा है, वहां पे 3 व्यवस्थाएं हैं। वहां पे 2 कनाल है, एक को कहते हैं ईस्ट यमुना कनाल जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है, दूसरे को कहते हैं वेस्ट यमुना कनाल जो कि हरियाणा की तरफ जा रहा है, और एक यमुना जी जो दिल्ली की तरफ आ रही है। तो जब ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो जाए जहां की फ्लड को डायरेक्ट करना ही पड़ेगा, मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा किस प्रकार से चीजें हुई हैं। 10 तारीख को ना तो इन्होंने वेस्ट यमुना कनाल में पानी छोड़ा, ना ईस्ट यमुना कनाल में पानी छोड़ा, और पानी छोड़ा तो सिर्फ छोड़ा दिल्ली की तरफ, और उसकी मात्रा थी 3,59,000 क्यूसिक जो कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है। और यही स्थिति रही 11 तारीख को, ना तो इन्होंने ईस्ट यमुना कनाल यानी उत्तर प्रदेश की तरफ छोड़ा, ना वेस्ट यमुना कनाल हरियाणा की तरफ छोड़ा, सिर्फ छोड़ा तो दिल्ली की तरफ छोड़ा, वो भी 3,69,000 क्यूसिक। मैंने पता किया कि भाई 12 तारीख को क्या हुआ, तो 12 को भी यही हुआ कि ईस्ट यमुना कनाल में नील, वेस्ट यमुना कनाल में नील, और रिवर यमुना जो है उसमें 2,02,476 क्यूसिक छोड़ा। तो क्या ये सवाल पैदा होता है, भाजपा शासित हरियाणा सरकार, भाजपा शासित यूपी सरकार क्या करना चाहती है? जबकि माननीय केजरीवाल साहब ने लिखित में ये रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके हथनी कुंड बराज से पानी थोड़ा नियंत्रण में छोड़ा जाए, जिससे कि दिल्ली को हम बचा सकें, दिल्ली में जिस प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं उसको बचा सकें, लेकिन उस पर तनिक ध्यान न दिया। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।